फोर लेन संघर्ष समिति ने जसूर प्रेस क्लब में पत्रकार वार्ता की। प्रेस वार्ता करते हुए फोर लेन समिति के अध्यक्ष एक्स सुबेदार मेजर दरबारी सिंह ने कहा कि 14/12/2018 को शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा परिसर धर्मशाला में फोर लेन संघर्ष समिति शिष्टमंडल के रूप में प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा पठानकोट से मंडी फोर लेन समस्याओं के समाधान हेतु अधिकृत काबीना मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को समस्याओं के प्रति अवगत करवाया। उसमें हमारी एक मांग है कि पहले मुआवजा, फिर कब्जा, फिर प्रक्रिया, जिससे काबीना मंत्री ने 14 दिसंबर को दिए गए मांग पत्र के केंद्र बिंदुओं पर आधारित वार्तालाप किसी और मंत्री ने समिति को मुख्यमंत्री द्वारा किए जाने के संकेत से अवगत करवाया। वह आश्वस्त किया कि फैक्टर 2 को प्रमुखता से हिमाचल में प्रभावितों के लिए लागू किया जाएगा। उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जिला स्तर पर, रोड स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और हर समस्या को सुना जाएगा, लेकिन हमारी कांगड़ा में, पठानकोट या नूरपुर में कोई भी कमेटी नहीं बनाई गई है, इसके लिए भी बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास दिलाया गया है कि 27 तारीख से पहले उनके साथ कांगड़ा व नूरपुर में बैठक होगी, उसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी बात करेंगे और समस्याओं को हल करेंगे। उन्होंने विश्वास जताया कि उनकी समस्याओं पर जल्द ही निपटारा किया जाएगा और मांगे पूरी की जाएंगी। कल हमारी नूरपुर संघर्ष समिति, संघर्ष समिति हिमाचल प्रदेश, पठानकोट टू मंडी फोर लाइन, कल हमारा शिष्टमंडल धर्मशाला गया था मंत्री से मिलने के लिए, और उसमें हमारी एक ही मांग है कि पहले मुआवजा, फिर कब्जा, फिर प्रक्रिया। और हमारी अच्छी मुलाकात हुई है, विश्वास दिया हमें, फैक्टर 2 तकरीबन ट्रीबल हो गया है, अभी अलाउंसमेंट बाकी है। हम इसे बहुत धन्यवाद, शुक्रिया करते हैं, और जो लोग हमारे किराएदार रेड़ी फड़ी उजड़ रहे हैं, उनसे भी हमारी अच्छी दुआपूर्ण से बातचीत हुई है मंत्री जी से। और इसके बाद हमारी एक 14/10/2018 को शिमला में मीटिंग हुई थी, उसमें हमें विश्वास दिया था कि जिला स्तर पर, रोड स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी और आपकी हर समस्या सुनी जाएगी, लेकिन हमारी कांगड़ा में, कांगड़ा और पठानकोट जनपद पर कोई कमेटी नहीं बनी। उसके लिए भी हमने बातचीत की है और हमें विश्वास दिलाया गया है कि 27 तारीख के पहले आपके साथ कांगड़ा या नूरपुर में मीटिंग होगी, उसमें हमारे विभिन्न प्रकार के अफसर, डीसी, एसडीएम, जो भी संबंधित है इस फोरलैंड से, वो हम बैठ के कुछ मुद्दे हल करेंगे और जो बचे हुए। और इसके लिए हमें पूरा विश्वास है कि हमारी जल्द से जल्द सुनवाई और मांग पूरी होगी, नहीं तो हम उजड़ने जा रहे हैं, तो उजड़ता क्या नहीं करता है, हमें रोड पे भी आना पड़ेगा, हर काम जो भी फैसला लेना होगा हम सख्त से सख्त फैसला लेंगे। और अपने जो दो दो बार डैम हाउस की तीसरी बार उजड़ रहे हैं, कुछ लोग अभी उनके एक बार जख्म नहीं भरे, दूसरी बार जख्म सरकार और दे रही है, हम सभी के लिए अपील करते हैं कि जब हमारी नेक्स्ट मीटिंग कांगड़ा या रूरपुर में होगी, तो हर व्यक्ति जो भी इससे प्रभावित हो रहा है, वो आके जो अपनी समस्या है, बोर्ड कोर कमेटी, संघर्ष समिति को बताए और वहां हम उनकी सारी समस्या हल कराएं।